तो देखो, ये इसमें क्या कहते हैं कि अगर एक पार्टिकल को रिलीज करता हूँ मैं अंडर ग्रेविटी, ए पार्टिकल इज रिलीज्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट पार्टिकल रिलीज फ्रॉम रेस्ट अंडर ग्रेविटी। रिलीज मतलब कुछ हाइट पे जाके अगर मैं रिलीज करता हूँ, ये बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग से एक अगर एक पार्टिकल को ड्रॉप किया जाता है, यहाँ कोई ऑब्जर्वर है, वो ऑब्जर्वर इस पार्टिकल को ड्रॉप करा। ड्रॉप मतलब होता है भाई, रिलीज करना मतलब जस्ट छोड़ देना, ठीक है ना। तो अगर ये छोड़ देता है तो ये पार्टिकल क्या होगा भाई, नीचे आएगा ऐसे, वर्टिकली ऊपर तो जाएगा नहीं यार। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ लगाना, ध्यान रखना वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब रिलीज किया गया था, जब समय 0 था, तो वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी। अब यहाँ पर जैसे ही ग्राउंड को टच करने वाला होगा, उसकी फाइनल स्पीड भी, टाइम बीत चुका होगा टी, तो फर्स्ट इक्वेशन हम मोशन लगाऊँ वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो देखो फाइनल स्पीड नीचे है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में निगेटिव ले लेता हूँ यहाँ से, और जहाँ से बॉल छोड़ा गया था ऊपर की डायरेक्शन में पॉजिटिव ले लेता हूँ। तो इस इक्वेशन में कोई वेक्टर ऊपर तो लग नहीं रहा है, सारे नीचे लग रहे हैं, ठीक है ना। एक्सलेशन भी नीचे है, और ये तो वेलोसिटी भी इज इक्वल टू जी टी का एक एक ग्राफ आएगा। तो अगर तुम देखोगे यहाँ वेलोसिटी रिलीज हुआ है, तो अगर रिलीज हुआ है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक ऐसा ग्राफ आएगा। यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, यहाँ पर स्पीड जो है, यहाँ पर स्पीड मिनिमम है, फिर अचानक से स्पीड यहाँ पे मैक्सिमम होगी, और फिर यहाँ से देखो फिर इस स्ट्रेट लाइन, ये वाई इज इक्वल टू एम एक्स का स्ट्रेट लाइन है जो कि बढ़ता हुआ जा रहा। बनाए होगे आप वाई और एक्स का ग्राफ बनाए होगे, तो ऐसा आता होगा स्ट्रेट लाइन ऐसे, ठीक है ना। तो उसी तरह से अपना ए ऑप्शन करेक्ट है, बाकी अपना गलत है। थैंक यू।